हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए, ये लेक्चर नंबर 11 है सॉल्यूशन का, और लेक्चर नंबर 10 तक में हम लोगों ने, याद करिएगा आपको, हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन भी लगवा चुके हैं, आइडियल नॉन आइडियल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उनके सारे न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज थे वो भी हम लोगों ने आपको करा दिया। अब हम लोग इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, और ये है हेनरीज लॉ। याद रखिएगा, हेनरीज लॉ को जब आप पीछे पलट कर देखेंगे तो हम लोगों ने गैस इन लिक्विड में पढ़ा था। इसका मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट जो होगा लिक्विड होगा, और सॉल्यूट क्या होगा? गैस होगा। और जब भी आपका सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो, वहां पर हेनरीज लॉ काम करेगा। और देखिए क्या है यहाँ पर, पढ़ लीजिए। द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व, द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। ये है, और आपका ये देखिए हेनरीज लॉ है। द मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। यानी मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पी है एक तरह से प्रेशर ऑफ गैस, इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्वेंट है। और जैसे ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे के एच आएगा, के एच कहलाता है कॉन्स्टेंट, नोन एज हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट कहलाएगा। और सुन लीजिए, एम है मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिएगा, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में है। तो पहला जो आपका हेनरी लॉ है, वो जो पहला स्टेटमेंट हेनरी लॉ का, ये है द मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। ये आपका हो गया एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। जैसे आप प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे के एच इंटू पी हो जाएगा। देखिए, हेनरीज लॉ में आल्सो भी स्टडीड है, आप इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। देखिए, कहेंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद। इसका मतलब आप हेनरीज लॉ को सॉल्युबिलिटी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, प्रेशर ऑफ द गैस होगी, लेकिन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होगा और फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा। यहां पर आप एस वन डिवाइड बाई पी वन इक्वल टू एस टू डिवाइड बाई पी टू भी कर सकते हैं। तो हेनरीज लॉ के दो स्टेटमेंट हैं, दोनों स्टेटमेंट आपको बता दिया। पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के। और एक डाल्टन का भी लॉ है, वो भी अगले पेज पर हम लोग आपको बता देते हैं। और ये देखिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्वेंट सोल्यूशन बाई द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन या लिक्विड में कहें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यानी पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये पीछे हम लोगों ने बताया भी था, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्सजी के होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन फॉर्म होगा। जैसे यहां से भी आप प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे के एच आ जाएगा, यानी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच और इंटू एक्सजी। के एच यहां पर वही हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट, ये डाल्टन का है। और हेनरी का दो स्टेटमेंट, पहला मास का प्रेशर के साथ, दूसरा सॉलिबिलिटी का प्रेशर के साथ है। और देखिए के एच यहां पर दिख रहा होगा इनवर्स रिलेशन एक्सजी से है, और के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होगा, यानी टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशन होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के इनवर्स रिलेशन होगा। याद रखिएगा, हायर द वैल्यू ऑफ एक्सजी हाई विल बी द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जितना ज्यादा एक्स जी होगा उतनी ही ज्यादा सॉलिबिलिटी होगी गैस में लिक्विड में, क्योंकि आपको बता दें एक्स जी ज्यादा होगा के एच कम होगा, के एच कम होगा तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और देखिए ये ग्राफ बना हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ एच सी एल के बीच में और मोल फ्रैक्शन एच सी एल का इन इट सोल्यूशन फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और ये लीनियर ग्राफ होगा एक तरह से, जैसे राउल्ट्स लॉ में फॉलो करता था। यानी पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां पर मोल फ्रैक्शन के होगा, यही यहां पर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स जी यहां पर दिखाया भी गया है, यही यहां पर ग्राफ दिखा रहा है। अगले पेज पर और इसकी बात करते हैं, और डाल्टन का अभी आप लोग जान चुके हैं। देखिए, आपने अभी जो पीछे बात की, जैसे जैसे आप बताइएगा किसी भी गैस का, जरा बताइएगा, आपने कहा हायर द वैल्यू ऑफ एक्सजी हाई विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। देखिए ये स्टेटमेंट पीछे पढ़ लीजिए एक बार फिर से, हायर द वैल्यू ऑफ एक्सजी हाई विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जितना ज्यादा एक्सजी होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगा। इसका रीजन आपको यहां पर बता देते हैं, आप देखिएगा क्या है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज करेगा, बिकॉज के एच ऑफ गैस इंक्रीज देयरफॉर एक्वेटिक। देखिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो सॉलिबिलिटी देखिए, आपने कहा हायर द वैल्यू ऑफ एच जी, अगर एच जी को आप ज्यादा रखेंगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि केएच की वैल्यू कम होगी, और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि आप देखिएगा केएच का कैसा रिलेशन है, आप कहेंगे बिकॉज केएच ऑफ गैस इंक्रीजेस, देखिए क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केएच बढ़ जाएगा, केएच बढ़ जाएगा तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, इसी वजह से देखिए एक्वाटिक स्पीसीज जो होते हैं वो मोर कंफर्टेबल होते हैं इन कोल्ड वाटर रादर देन वार्म वाटर। तो दो स्टेटमेंट ये पीछे से आपके पता चला, यहां पर देखिएगा ये स्टेटमेंट क्या था, एक केएच का इनवर्स रिलेशन एक्जी था, जितना ज्यादा एक्जी होगा केएच की वैल्यू उतनी ही कम होगी, सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे केएच बढ़ जाएगा, केएच बढ़ जाएगा तो जरा बताइए सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसी वजह से बताएगा एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं वो मोर कंफर्टेबल होते हैं इन कोल्ड वाटर रादर देन वार्म वाटर। कंडीशन फॉर डिजोल्यूशन ऑफ गैस देख लीजिए, यानी गैस डिजॉल्व होने की गैस, जैसे आप देखिए हेनरीज लॉ को आप अक्सर देखिए फील कर सकते हैं, कोक पीते होंगे आप लोग, पेप्सी पीते होंगे, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड किसमें मिलाई जाती है, किसमें देखिए एक तरह से लिक्विड में मिलाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो बताइएगा गैस मिलाई जाती है ना, तो गैस और जितना ज्यादा प्रेशर रखेंगे उतना ही ज्यादा बताइएगा वहां पर गैस डिजॉल्व होगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक फिनोमेना, कैसा फिनोमेना होगा, एक्सोथर्मिक होगा, डेल्टा एच यहां पर नेगेटिव होता है। और देखिए दूसरी बात, चेन इन गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी यहां पर क्या होगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और एंट्रोपी भी नेगेटिव होगा, याद रखिएगा तीनों के तीनों नेगेटिव, यानी ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और एंट्रोपी क्या है यहां पर नेगेटिव है। तो देखिए आपने पूरी तरह से यहां पर हेनरी लॉ पढ़ लिया, और एक बार फिर से यहां पर रैपिडली हम लोग रिवाइज कर देते हैं। देखिए हेनरीज लॉ में क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा चेक करिएगा, पहला था मास यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के था, और याद करिएगा जितना ज्यादा प्रेशर आप रखेंगे उतना ज्यादा मास गैस का डिजॉल्व कर पाएंगे, आपने देखा होगा कोक की बॉटल में, पेप्सी की बॉटल में इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजॉल्व करते हैं। और दूसरा लॉ था हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट था, सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा सॉलिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और इसी बेसिस पर देखिए हम लोगों ने पीछे यहां पर आपको बताया भी था, और ये यहां पर बताया था डाल्टन का एक लॉ था, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सजी के, पी एच पी इक्वल टू के एच इंटू एक्सजी के हो जाएगा, पी का बताइए के एच का एक्सजी से इनवर्स रिलेशन है, आप एक्सजी बढ़ाएंगे तो के एच कम होगा, के एच कम होगा तो आप बताइएगा, याद रखिए हायर द एक्सजी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी सॉलिबिलिटी, आपने देखा ही पीछे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की होती थी। और देखिए आप लोगों ने यहां पर कंडीशन भी देख लिया, यहां डिसोल्यूशन ऑफ गैस की कंडीशन भी देख लिया, और ये पूरा भी हो गया। और अब चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं अगले पेज से। तो देखिए नेक्स्ट पेज क्या है, यहाँ पर क्वेश्चंस हैं हेनरीज लॉ के, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अबव वाटर इज 0.21 एटीएम, गिवन दैट हेनरीज कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 एटीएम इनवर्स है। अब देखिए आपको एक बात बता दें, आपने पीछे जब फॉर्मूला था पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के पढ़ा था, पी इक्वल टू देखिए यहां पर यह फॉर्मूला पढ़ा था आपने, जरा चेक कर लीजिए, यहां पर यह पढ़ा था पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सजी के था, यानी पी इक्वल टू के एच इंटू एक्सजी के था। यहां पर जब के एच की यूनिट आएगी तो के एच की यूनिट यहां पर क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होगी नहीं, के एच की यूनिट एटीएम होगी, और ये के एच ऐसे भी हो सकता है xg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यानी xg इक्वल टू kh * p भी हो सकता है, तब यहां पर kh की यूनिट जाएगी, atm इनवर्स आएगा, और यही देखिए यहां पर दिया हुआ है, और इसी को यहां पर बताते हैं। देखिए यही दिया हुआ है यहां पर kh की वैल्यू आपको यहां पर दिया हुआ है, atm इनवर्स दिया हुआ है, तो आप यहां पर जो क्या करेंगे, यहां पर आप उल्टा करेंगे, यहां पर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बताएगा पार्शियल प्रेशर करेंगे, जैसे x जाएगा यहां पर kh और इंटू p आ जाएगा, इसीलिए kh की यूनिट बताइए यहां पर atm इनवर्स आई, आप यूनिट देख ले, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होगी नहीं, तो kh की यूनिट क्या हो गई यहां पर इनवर्स आ गई, क्योंकि जब आप बताइएगा ये kh नीचे जाएगा, भाई kh निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर नीचे जाएगा, atm इनवर्स आ जाएगा। चलिए इसको मिटा, अब दोनों तरह से इसको कर सकते हैं, यानी kh को आप xg के पास भी ला सकते हैं और p के पास भी, यहां kh रखा है 2.3 * 10 पावर माइनस 5 है, और जरा बताइएगा यहाँ पर आपको साथ में दिया हुआ है, जरा बताइएगा पार्शियल प्रेशर भी कितना दिया हुआ, पार्शियल प्रेशर जरा बताइएगा, पार्शियल प्रेशर जो दिया हुआ है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है, और 0.21 एटीएम दिया हुआ, रख दीजिए और सॉल्व करिएगा, 4.83 * 10 की पावर माइनस 6 निकल गया। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट था, बहुत आसान था, बस इतना ध्यान रखना था आपको
कि KH यहां पर ATM इनवर्स दिया हुआ है, इसका मतलब KH पार्शियल प्रेशर के साथ होगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेन ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 × 10⁻²⁰ ग्राम ऑफ एथेन इज 1 बार। If the solution contains 5 × 10⁻²² of ethane, then what should be the partial pressure of gas? आपको अब की बार जब आपका यहाँ पर if the solution contains बताएगा कितना 5 mass solution का इतना हो जाता है, तब पूछा गया इसका pressure कितना हो जाए। पहले वाले मास दे रहा बताइए 6.256 × 10⁻², है दूसरे वाले 5 × 10⁻²। हम लोग पहले वाले से क्या निकाल लेंगे, KH निकालेंगे, KH की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम होगी, तो M इक्वल टू KH इनटू P यहां पर होगा। पहला फार्मूला जो आपने हेनरीज लॉ का पढ़ा था, M रख दिया, P की वैल्यू रख दिया, KH वही आ गया 6.65 × 10⁻⁶ ग्राम पर बार हो गया। अब सेकंड केस में M इक्वल टू KH इनटू P रखते हैं, M की वैल्यू आपको पता है 5 × 10⁻², है सेकंड केस में, KH आपने निकाल लिया, रख दिया, पार्शियल प्रेशर P डैश निकालना है, आ जाएगा 0.762 बार के। बड़ा आसान क्वेश्चन था, पहले से आपको सिर्फ KH निकाल लेना था, उसके बाद फिर आपका यहां पर P डैश निकल जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन फाउंड टू बी 0.987 बार, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन मिलीमोल्स That would be dissolved in 1 liter, given that Henry's constant for nitrogen water बताएगा 293 केल्विन पर 76.48 किलो बार दिया हुआ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, NCERT में इसी तरह का क्वेश्चन है, और 293 केल्विन पर दिया हुआ, the partial pressure of nitrogen दिया हुआ 0.987 बार दिया हुआ है। तो आपको अमाउंट निकालना है, एक तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, किसका सल्यूट का निकालना है, और हेनरीज कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, और ये 76.48 दिया हुआ। सबसे पहले पी ऑफ एन टू रखिए, के एच और इन टू एक्स ऑफ एन टू हो जाएगा, एक्स ऑफ एन टू हम लोग यानी मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं, पार्शियल प्रेशर बताइएगा नाइट्रोजन का दिया हुआ 0.987, और जरा बताइए KH यहाँ पर दिया हुआ कितना 76.48 किलो बार, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, बार में बदल जाएगा 76480 आ गया, ये आ गया 1.29 × 10⁻⁵ सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए इफ स्मॉल n मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, अगर आप 1 लीटर ऑफ वाटर में स्मॉल n दिया हुआ है और 1 लीटर ऑफ वाटर की मोलरिटी आपको पता है वाटर की कितनी होती है 55.55 m होता है, ये याद रखिएगा, ये याद रखना चाहिए मोलरिटी वाटर की, इस पर हम लोगों ने मोल कांसेप्ट में क्वेश्चन भी कराया था, वाटर की मोलरिटी 55.55 होती है, कहीं कहीं 55.56 मान लेते हैं, याद रखिएगा 1 मोल में कितना इतने बताइएगा, आप सीधे सीधे कहेंगे अगर वाटर की मोलरिटी रखें तो 55.55 हो जाएगा। तो x ऑफ n2 आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या हो जाएगा नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और प्लस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर वाटर का हो जाएगा। तो वाटर का अगर हम लोग 1 लीटर में लेते हैं, देखिए n मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर में लेते हैं तो वाटर के नंबर्स ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 55.55 हो गए। अच्छा ये नंबर्स ऑफ सॉल्यूट वाटर के मोल्स के कंपैरिजन में बहुत कम होगा तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ n डिवाइड बाय 55.55 आ गया, n की वैल्यू निकालना, n मल्टीप्लाई हो गया 55.55 मल्टीप्लाई होगा 1.29 × 10⁻⁵ आ गया 0.716 मोल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर आप याद रखिएगा वाटर की मोलरिटी आपको याद होनी चाहिए 55.55 होता है। इस तरह से देखिए ये लेक्चर नंबर 11 था, हम लोगों ने हेनरीज लॉ को पढ़ा भी और स्किनरीज लॉ, और इसके क्वेश्चन इसी टाइप के, बस इतने क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आप लगा लीजिएगा, बस पूछे जाएंगे इसी तरह के क्वेश्चंस। और 11 लेक्चर में एक तरह से देखा जाए तो हम लोगों ने सोल्यूशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। हाँ कुछ क्वेश्चंस और कराने हैं तो हो सकता है एक दो लेक्चर में क्वेश्चंस आपको करा दें, यानी 12 या 13 लेक्चर में आपको विद ग्राफ, ग्राफ भी बता देंगे, क्वेश्चंस के साथ ग्राफ भी बता देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी वैसे तो देखें सोल्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका, आप पूरा पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ने के बाद आप 100% नंबर पाएंगे, लेकिन एक या दो लेक्चर हम लोग क्वेश्चंस और ग्राफ के बारे में जो कुछ बात करनी वो हम लोग कर लेंगे आगे। यहाँ के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, जम कर पढ़िए, खूब मेहनत करिए और लगातार पढ़िए।